हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वेलकम टू योर अदर्स ऑनलाइन क्लासेस। वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1C एंड टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। लेट्स सी, पुट द करेक्ट ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल इन द गिवन सिचुएशन। जो सिचुएशन दी गई है यानी ये 8 पार्ट दिए हुए थर्ड सम के, इसमें हमें ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल का साइन है वो पुटअप करना है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट सम है 8 मीटर और इधर है 850 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स वी नो 1 मीटर इक्वल में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल में 100 सेंटीमीटर, देन 8 मीटर इक्वल में 800 सेंटीमीटर। तो 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे 800 और इधर कितने 850, तो ग्रेटर देन कौन सा हो जाएगा 850 सेंटीमीटर। बी पार्ट 4 सेंटीमीटर इक्वल में 4 सेंटीमीटर और इधर है 450 मिलीमीटर। स्टूडेंट्स वी नो 1 सेंटीमीटर इक्वल में 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल में 10 मिलीमीटर, देन 4 सेंटीमीटर इक्वल में 40 मिलीमीटर, तो ग्रेटर देन वैल्यू कौन सी हो जाएगी 450 मिलीमीटर। सी पार्ट 3 किलोमीटर एंड ये है 3000 मिलीमीटर। स्टूडेंट्स 1 किलोमीटर इक्वल में 1 मिलियन मिलीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल में 1 मिलियन मिलीमीटर, देन 3 किलोमीटर इक्वल में 3 मिलियन मिलीमीटर। तो इधर 3 मिलियन मिलीमीटर है और इधर है 3000, देन ग्रेटर देन वैल्यू कौन सी हो जाएगी 3 किलोमीटर। डी पार्ट है 780 ग्राम और 80 किलोग्राम। स्टूडेंट्स वी नो 1 किलोग्राम इक्वल 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल में 1000 ग्राम, 78 किलोग्राम इक्वल में 78,000 ग्राम, देन ग्रेटर देन वैल्यू कौन सी हो जाएगी 78 किलोग्राम। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स ई 85,000 मिलीग्राम 85 ग्राम। स्टूडेंट्स 1 ग्राम इक्वल में 1000 मिलीग्राम, 1 ग्राम इक्वल में 1000 मिलीग्राम, 85 ग्राम इक्वल में 85,000 मिलीग्राम। तो इधर भी 85,000 मिलीग्राम, इधर भी 85,000 मिलीग्राम, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा इक्वल। नेक्स्ट 3.5 किलोग्राम, इधर है 350 ग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल में 1000 ग्राम, 3.5 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे 3.5 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10, 0 से 0 क्या हो जाएगी कैंसिल, तो यहाँ कितना रह जाएगा 3500। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 3.5 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे 305,000 ग्राम, तो इधर 305,000 बनता है और इधर बनता है 350 ग्राम, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर। नेक्स्ट पार्ट 5000 मिलीलीटर, ये है 20 लीटर। स्टूडेंट्स 1 लीटर इक्वल में 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर इक्वल 1000 मिलीलीटर, 20 लीटर इक्वल में 20,000 और ये है इधर 5000, तो ग्रेटर देन वैल्यू 20 लीटर। एंड लास्ट पार्ट इज 3 किलोलीटर और इधर है 3 मिलियन मिलीलीटर, 1 किलोलीटर इक्वल में 1 मिलियन
मिलीलीटर। 1 किलोलीटर इक्वल में 1 मिलियन मिलीलीटर, 3 किलोलीटर इक्वल में 3 मिलियन मिलीलीटर, ये भी 3 मिलियन मिलीलीटर है, तो क्या हो जाएगा ये पार्ट इक्वल। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1C है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 1D है वो स्टार्ट कर रहे हैं, उसका फर्स्ट सम है। स्टूडेंट्स ये टेबल दी हुई है, एड राउंड ऑफ एस्टिमेट करेक्ट। करेक्ट वाले ऑप्शन में यानी बॉक्स में इन दोनों का करेक्ट प्लस होगा, राउंड ऑफ वाले में यानी 47 वो किसके नियर अबाउट वैल्यू है, 68 है ये किसके नियर है, ये हमें राउंड ऑफ लिखना है इसको, फिर इन दोनों को प्लस करके इस बॉक्स में लिखना है। जैसे 47, जैसे स्टूडेंट्स अगर 5 या 5 से ऊपर वंस डिजिट है, अगर वंस डिजिट 5 या 5 से ऊपर है यानी 6 7 8 9 है, तो हम उसको आगे वाले यानी 50 के करीब मान लेंगे। अगर ये यहाँ पे 41 होता, 42 या 3 4 होता, तो हम पीछे यानी 40 के करीब मानते। तो लेट्स स्टार्ट, 47 प्लस 68, तो 47 है ये किसकी नियर अबाउट वैल्यू है 50 की, प्लस 68 वो किसकी हो जाएगी 5 से ऊपर है तो किसकी हो जाएगी 70 की, तो इन दोनों का प्लस कितना आ जाएगा 120, कितना जाएगा 120। और यहाँ पे एक्चुअल में इसका करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा स्टूडेंट्स 7 और 8 15, कितना हो जाएगा 11, यानी 115 इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह इस टेबल को हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है 67 प्लस 43, 67 किसके करीब है नियर है 70, प्लस 43 40 के, तो इनका ऐड करेंगे कितना होगा 110, यानी एस्टिमेट इसका आंसर कितना आएगा 110, और करेक्ट आंसर कितना आएगा 110, करेक्ट भी स्टूडेंट्स इसका 110 आता है। 7 और 3 10, 6 और 4 10 और 1 11। नेक्स्ट है 77 प्लस 83, 77 को नियर अबाउट 80, प्लस 83 भी किसके होगा 80 के, क्योंकि यहाँ 5 से कम है, 80 और 80 ऐड करेंगे 160, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा 160, करेक्ट आंसर भी इसका कितना आएगा 160। नेक्स्ट इसको लेते हैं 34 किसके नियर अबाउट 30, प्लस 71 70, ऐड करेंगे कितना आएगा 100, इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 5 और 7 और 3 10, कितना आएगा 105। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है, और इसका जो सेकंड सम है वो भी इसी तरह से ही होगा। तो होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच।